5-0. Vishwambar Prasad Nishad. माननीय सभापति महोदय, मैंने ये प्रश्न पूछा था कि प्राइवेट नौकरी करने वाले बगैर यूपीएससी परीक्षा पास के भर्ती की जा रही, कुछ लोगों को करीब 400 लोगों की भर्ती की करने का प्लान है, इसमें ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इसमें कोटा नहीं निर्धारित किया जा रहा। मानो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि 347 से ज्यादा बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, जो हाई कोर्ट से उनका आदेश हो गया और कैट का आदेश हुआ, उनको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जा रहा। उनको कह दिया जा रहा है कि ओबीसी के लोगों में योग्य नहीं, योग्यता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे, मैं निवेदन करूंगा जो बच्चे परीक्षा पास किए घूम रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाए, उनकी एक रिव्यू कर लें, उनको भेजने का काम करें। और मंत्री से जाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जो 400 विशेषज्ञ आप भर्ती करने जा रहे हैं आगे, उसमें एससी एसटी ओबीसी का क्या उनका कोटा निर्धारित करेंगे, उनको भर्ती करेंगे? मंत्री जी। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है लेटरल एंट्री को लेकर के, ये विषय पहले भी इस सदन में आया है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि ये सारी प्रक्रिया बड़ी स्पष्ट मानसिकता से और सही नीति से इख्तियार की गई है, और ऐसा भी नहीं है कि ये अभी शुरू ही। लेटरल एंट्री के प्रस्ताव को मान्यता पिछली सरकार में मिली थी और सारे हमारे वरिष्ठ पिछली सरकार के नेता यहां बैठे हैं। वास्तव में 2008 में सबसे पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की ओर से ही प्रस्ताव आया और इसको पीएमओ में मान्यता दी गई, पीएमओ तब का 2011 का, और उस समय ही ये निश्चित किया गया था कि 10% ज्वाइंट सेक्रेटरीज के पद इस प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी आइडेंटिफाई करेंगी पोस्ट को। उसमें कोई बदलाव ना लाते हुए, क्योंकि कहीं कहीं से ये सुझाव आए कि इसमें पारदर्शिता अधिक हो, ऑब्जेक्टिविटी अधिक हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्षपात हो, तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का कार्य, चूंकि इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकार ने छोड़ दिया, हो सकता वो जारी रहते तो वो भी इस सुझाव पर कार्य करते। इट हैज बीन नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज के यूपीएससी के माध्यम से ये चयन होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात होगा। दूसरा जो इनका भाग है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर के, ये पहले से ही तय कर दिया गया था पिछली सरकार के समय ही, बल्कि वर्तमान सरकार में नीति आयोग के द्वारा और एक सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स सेक्रेटरीज नियुक्त किया गया, और फिर ये तय हुआ कि जो ये सिंगल कार्डर पोस्ट होती हैं इनमें रिजर्वेशन आरक्षण करना थोड़ा सा कठिन भी होता है और ये शायद वायबल नहीं रहता। सेकंड सप्लीमेंट्री आइडेंटिफाई, सेकंड सप्लीमेंट्री, मंत्री जी फलां जगह पे जितेंद्र सिंह जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति महोदय, चूंकि जो अभ्यर्थी बड़ी मुश्किल से परीक्षा देकर के आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप आरक्षण का कोटा तो पूरा नहीं कर रहे, पिछड़ों के साथ दलितों के साथ जो है आप अनदेखी कर रहे, क्या भर्ती करने के पहले आप जो है विशेषज्ञों की नियुक्ति के पहले उनकी कार्य निष्पादन क्षमता, सत्यनिष्ठा, योग्यता की जांच करेंगे, जिससे कि जो उन्नतशील किसान है, जो अच्छे किसान है जिनको राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, ऐसे किसानों को भी कृषि विभाग में जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी में तैनात करेंगे? मंत्री जी, ये प्रक्रिया का की जो पद्धति रहेगी, इस चयन की प्रक्रिया की पद्धति, वो इतनी पारदर्शिता और ऑब्जेक्टिविटी के साथ तय की गई और यूपीएससी के माध्यम से हो रहा है, तो किसी को पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारी बैकग्राउंड किसान की कि है कि मजदूर की है, कि ये उसकी योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, और उन्होंने भी कुछ पैरामीटर्स तय करके रखे हैं। यदि आप कहें तो मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए यह तय किया गया है कि 10-40 वर्ष से अधिक उसकी आयु रहे, 15 वर्ष का उसको अनुभव रहे, इन विच एवर सेक्टर ही हैज बीन वर्किंग और शी हैज बीन वर्किंग, एंड दिस हैज बीन लेड डाउन बाय द अर्लियर गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। डायरेक्टर हो या डेप्यूटी सेक्रेटरी हो तो 10 साल का कम से कम न्यूनतम अनुभव रहे, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि किसका बेटा हो किसकी बेटी हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टू गो फॉर द बेस्ट ऑफ द टैलेंट, ये एक प्रक्रिया एक बड़े हेल्दी
मानसिकता के साथ अपनाने का प्रयास हुआ। और श्रीमती अमी एक 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 सभापति महोदय, एक जो इनका शंका थी कि जो लोग बैठे हैं उनको शायद नौकरियां नहीं मिलती, तो मैं ये कह दूं कि इसका उसके साथ कोई ओवरलैप नहीं रहेगा। जो चयन प्रक्रिया से वैसे आ रहे हैं सिविल सर्विसेज के परीक्षा के माध्यम से, उनका अलग से एक प्रोसेस जारी है, उनकी पोस्टें इनके आने से खाली हो जाएंगे ऐसा नहीं है। दी केक इज टू बिग और हमारे पास अभी भी बहुत सारे राइट। श्रीमती अमी याज्ञिक, थैंक यू सर। सेम क्वेश्चन सेम रिप्लाई वॉज टेकन अप इन द लास्ट सेशन। इफ समबडी वॉन्ट टू वेरीफाई, आई डोंट नो हाउ अवर पीपल ऑल्सो ओवर लुक इट एंड देन अगेन गॉट इट, बट नो प्रॉब्लम सर। रिसेंटली इट हैज बीन रिपोर्टेड that 9 private sector specialists have been recommended for joint secretary posts by the UPSC. Sir, I just want to know what was the basis for the selection out of the total 6,077 applications that were received by the government. Can I ask one more question along with that? Is there any reservation for women for this post, or has the reservation been done away for this procedure? Right. Mantri ji. Chairman sir, I think this question has been partly also answered in a different way in the earlier part of the discussion. Lateral entry, as I said, has been existing in this government mechanism for several years. The most distinguished lateral entry was that of the Honorable former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji in the year 1972, first as the Chief Economic Advisor and then the Secretary Finance Minister, and the list is long. If I can go on and on, Dr. Montek Singh, विजय केलकर, बिमल जान, शंकराचार्य, राकेश मोहन, अरविंद विमानी, राम विनय सानी एंड मेनी मोर विच इज हैपन्ड बिफोर 2014। बट एज आई सबमिटेड इन द रिस्पॉन्स टू द अर्लियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज दैट मे बी वी लर्न बाई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द इनपुट्स रिसीव फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स एंड देर वॉज नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट सो दैट द क्वेश्चन दैट यू हैव पुट वुड नॉट रेज एनी मिसगिविंग्स about the selection having happened. That does not mean that we are challenging the selection made earlier, but in order to make it more objective and less subjective, it has been now routed through UPSC, and the same parameters have been laid down as are followed by UPSC for other selections. Right. And therefore, government has very least intervention in this. Right. Sri Manish Gupta. Sir, we would like to clarification. How will these new appointees integrate into the cadreized secretarial framework and hierarchy? Or is there a plan to set up a separate constituted service of such experts? Right. Mantri ji. Chairman sir, if a separate service is set up, then it will become another parallel service. The very idea of lateral entry is to have a process which is in addition to what services we already have, to go in for the best of the best, particularly as we evolve as a nation, the specialized services are becoming more and more imperative. We have specialized sectors, specialized schemes, like for example Ayushman Bharat, like for example in the banking sector. So certainly, compared to what it was maybe quarter century ago, now we need more and more specialized experts in different areas. And therefore, for that also, the parameters have been laid down. It's not that a novice would be picked up. And even after having fulfilled that criteria of the eligibility, whoever applies, because this is an advertisement made, when we made this advertisement for the joint secretaries, we received as many as 6,000 to 7,000 applications, which were thoroughly screened. Then the UPSC went through, and even 10 of those posts which had to be filled could only fill up 9, because we still did not find, the UPSC did not find one person eligible for the 10th post, and among the 9 also one did not join. So what I am trying to say is that it's not that it just get flooded with under qualified or under eligible persons. We are just trying to enlarge the pool to go in for the best of the best, to supplement the existing services, not to replace or threaten the existing services. Right. Professor Ram Gopal Yadav. Mani Mantri ji ne jo apna jawab diya hai उसमें लिखा है कि रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट टू ए सिंगल पोस्ट कैडर। यूपीएससी में जब सिलेक्शन होता है आईएएस ऑफिसर्स का, तो रिजर्वेशन अप्लाई उसमें एप्लीकेबल है सब, और उस
उससे भी ज्वाइंट सेक्रेटरी आगे चल के बनते हैं ऑफिसर सब। रिजर्वेशन पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे इस पर नहीं एप्लीकेबल होगा, तो क्या जो हमारी रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके विपरीत नहीं है ये जो जवाब दिया है माननीय मंत्री? मंत्री जी। महोदय, इसमें मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जब यूपीएससी का चयन होता है तो पहले से ये तयशुदा होता है कि कितना शेड्यूल कास्ट होगा, कितना ओबीसी होगा, कितना जनरल कैटेगरी होगा, क्योंकि एक पोस्ट आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक परीक्षा की जाती है अखिल भारतीय स्तर पर। यहां पर ऐसा नहीं है, समय समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए जैसा कि 2011 के पीएमओ ने ही निर्धारित किया था, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के हवाले ये जिम्मेवारी है, वो आइडेंटिफाई करता है कि साहब फला विभाग में, फला महकमे में फला पोस्ट खाली है जिसके लिए हमें एक उसी के लिए उपयुक्त एक उम्मीदवार चाहिए, तो उस हिसाब से ये पोस्ट एडवर्टाइज होगी, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंगल पोस्ट कार्टर। राइट, तो उसमें कितनी रिजर्वेशन होगी, कैसे होगा, वो एक वायबल प्रोपोजिशन नहीं बनता, इसीलिए सिंगल पोस्ट कार्टर्स को, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर फिनोमिना हैपनिंग एंड इज नॉट एन एनुअल फिनोमिना हैपनिंग एज इन द केस ऑफ सिविल सर्विसेज।